जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्रीराम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे 1 मई से 7 मई के बीच का जो करंट अफेयर्स है, हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम फटाफट एक एक करके जानेंगे। हम इस करंट अफेयर्स में 50 के आसपास हम क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके पिछले 7 दिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर किसी ने 1 से 7 मई के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, यानी कि ऑटोमेटिक जो कार हैं उनको रोड पर चलने के अलाउ किस देश ने कर दिया है। तो इसका सही आंसर है आपका ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने जो ऑटोमेटिक कार्स हैं उनको रोड पर चलाने की परमिशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है। ऑप्शन ए जियो, बैजू, विप्रो या फिर ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका आपका सही आंसर है बोथ ए एंड डी, यानी जियो और बैजू ने, दोनों ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में जगह बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य ने शुरू हुई है, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या राजस्थान। इसमें आपका सही आंसर है बी, हरियाणा में ऑक्सीजन और व्हील्स की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है। ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी डीआरडीओ और डी सीएनएसए। आपका सही आंसर है इसमें सी, डीआरडीओ ने पाइथन 5 जो एक एयर टू एयर मिसाइल यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, इनमें से किसने किया है। इसका सही आंसर है ए, IIT मद्रास ने 3D प्रिंटेड मकान को की जो संस्थान है उसके द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी CMD कौन बने हैं। ऑप्शन ए संदीप कटारिया, बी अमित बनर्जी, सी शांतनु नारायण और डी सत्या नडेला। इसमें सही आंसर है बी अमित बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, बी सुशील चंद्र, सी GC मुर्मू और डी है TV सोमनाथन। आपका सही आंसर है इसमें TV सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल कॉलिंस कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्री, बी राजनीतिज्ञ, सी अंतरिक्ष यात्री, डी लेखक। इसमें सही आंसर आपका सी, ये एक अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। ऑप्शन ए रूस, बी पुर्तगाल, सी जापान, डी चीन। इसमें आपका सही आंसर है बी पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी म्यांमार और डी बांग्लादेश। इसमें सही आंसर है आपका भारत। भारत चीन पर अपनी जो आत्मनिर्भरता है उसको खत्म करना चाहता है। क्वेश्चन 11, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंडोनेशिया, सी सऊदी अरब और डी जापान। इसमें सही आंसर है सी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी केरल और डी ओडिशा। इसमें सही आंसर आपका ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13, बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए सत्या नडेला, बी नीरज बजाज, सी अरविंद कृष्ण और डी संदीप कटारिया। इसमें सही आंसर आपका बी नीरज बजाज।
14 किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है थाईलैंड, ब्रिटेन, वियतनाम या फिर पोलैंड। इसका सही आंसर आपका डी, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन है अमिताभ चौधरी, बी शशिधर जगदीशन, सी अतनु कुमार दास और डी संजीव चड्ढा। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने द कोरोना वायरियर्स योजना शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, टी कर्नाटक। इसमें सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोली सोराबजी का निधन हो गया है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, बी पत्रकार, सी गायक या फिर अभिनेता। इसका सही आंसर आपका ए, वो एक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 400,000 COVID-19 मृत्यु दर्ज कराने वाला दूसरा देश बन गया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी USA, सी भारत और डी ब्राजील। इसका सही आंसर है आपका डी ब्राजील। कमेंट बॉक्स में आप जाके बताइए कि ब्राजील दूसरा देश है तो पहला देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लेक बी ओमेर में 44 लोगों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए इटली, बी इजराइल, सी जर्मनी, डी जॉर्डन। इसका सही आंसर आपका बी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी जापान, सी चाइना, डी अमेरिका। इसमें सही आंसर आपका ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपका सही आंसर है सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शन ए बोइंग, बी स्ट्रेटो लॉन्च, सी स्पेसएक्स और डी इसरो। इसमें सही आंसर आपका पी स्ट्रेटो लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शन है इटली, बी कनाडा, सी स्वीडन, डी जर्मनी। इसमें सही आंसर आपका डी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिया है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT खड़गपुर। इसका सही आंसर है ए, IIT बॉम्बे ने जो नाइट्रोजन प्लांट है उसको ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट कर दिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25, शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन ए विशाखा तोमर, बी चंद्रो तोमर, सी विनीता यादव, डी सुमित्रा सेन। इसका आपका सही आंसर है बी चंद्रो तोमर, जिनको शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, नाटो ने किस देश के साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए इटली, बी अल्बानिया, सी तुर्की और डी इजराइल। इसका सही आंसर आपका पी अल्बानिया। अल्बानिया के साथ नाटो डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल 2021 में GST से कितने ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति की है? ऑप्शन ए 1.41, बी 2.51, सी 3.61 और डी 4.71। इसमें सही आंसर आपका ए 1.41। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुराने पानी की खोज की है? ए अमेरिका, कनाडा, रूस या चीन।
इसमें सही आंसर आपका बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक और डी संयुक्त राष्ट्र। इसमें सही आंसर है आपका डी संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और डी वर्ल्ड बैंक। इसमें सही आंसर है आपका सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन 31, रूस निर्मित स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप एक विशेष उड़ान द्वारा 1 मई 2021 को किस शहर में पहुंची है? ऑप्शन ए हैदराबाद, पुणे, दिल्ली या अमृतसर। आपका सही आंसर है ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन वनीला, ऑप्शन ए ऑपरेशन वनीला, बी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन राहत और डी ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो आपका सही आंसर है बी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। इसमें सही आंसर है आपका डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन ए यूएई, बी जापान, सी क्रोएशिया और डी रूस। आपका सही आंसर है बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अरुण कुमार, बी राकेश कुमार, सी त्रिपुरारी शरण और डी भावेश राणा। आपका सही आंसर है सी त्रिपुरारी शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज की गई है? ऑप्शन ए जॉर्डन, बी इजराइल, सी लेबनान और डी मिस्र। आपका सही आंसर है सी लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेस्टिंग प्लांट कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम और डी उत्तराखंड। सही आंसर है बी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रही माऊ डॉल्फिन प्रजाति किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी नीदरलैंड। आपका सही आंसर है बी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सोरोपॉइड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी मेघालय और डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही आंसर है सी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन ए रामेश्वर सिंह, बी गौतम खन्ना, सी रमेश कुमार और डी टी रवि शंकर। आपका सही आंसर है डी टी रवि शंकर प्रसाद, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। 41, हाल ही में किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ऑप्शन ए कांगो गणराज्य, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक कांगो, सी नाइजीरिया और डी केन्या। इसमें सही आंसर आपका बी लोकतांत्रिक कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला हैरिस की मोम की मूर्ति को किस शहर के मैडम तुसाद फैक्स संग्रहालय में रखा जाएगा? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क और डी सैन फ्रांसिस्को। आपका सही आंसर है सी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन 43, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए यूएई, बी जापान, सी भारत और डी टोक्यो। सही आंसर आपका ए यूएई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुर्तगाल ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास, बी मैक्स वर्स्टैपेन, सी लुईस हैमिल्टन और डी चार्ल्स लेक्लेयर। आपका सही आंसर है सी लुईस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी के बिलीव इन सपोर्ट इन अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, हिमा दास या दूती चांद को? इसका सही आंसर आपका ए पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए इटली, बी जापान, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है आपका डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति हुई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन और डी रूस। इसमें सही आंसर है आपका डी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन बनी है? ए इंफोसिस, बी एचसीएल, सी विप्रो और डी टाटा कंसल्टेंसी। आपका सही आंसर है इसमें सी विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओला इलेक्ट्रिक जुलाई 2021 में किस देश में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च करने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है डी, यानी ये फ्रांस, इटली और जर्मनी तीनों जगह ये अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज कौन बना है? ऑप्शन ए मे फ्लावर 400, बी सनफ्लावर 400, सी जास्मिन 400, डी सरफेस 400। आपका सही आंसर है ए मे फ्लावर 400। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर ने नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेर COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? ऑप्शन ए जूनागढ़, बी हैदराबाद, सी श्योपुर और डी भरतपुर। आपका सही आंसर है बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पुणे, सी मुंबई और डी लखनऊ। आपका सही आंसर है सी लखनऊ। तो इस तरह से हमने इस पूरे वीक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर किए। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है। जो मेन पोर्टफोलियो और जो करंट जो मेन पोर्टफोलियो होल्डिंग जो चेंजेस हुए हैं वो आर्मी के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो आने वाली कमिंग एग्ज़ाम है। बाकी जो बैंक, एसएससी और जो एयरफोर्स के बच्चे हैं उनके लिए करंट के सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में करंट के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पिछले 7 दिन का जो करंट अफेयर छूटा हुआ था वो उनका जल्दी से कवर हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।